पोलराइजेशन डेंसिटी का सिंबल पी क्या होती है? पोलराइजेशन डेंसिटी नाम से पता लग रहा है पोलराइजेशन, तो एटलीस्ट ये तो पता लग रहा है कि ये कंडक्टर का प्रिंसिपल नहीं है, कंडक्टर के अंदर यूज नहीं हो सकती। ये किसके अंदर यूज होगी? डायलैक्ट्रिक के अंदर, क्योंकि डायलैक्ट्रिक के अंदर क्या होता है? पोलराइजेशन, जब एटम क्या हो जाते हैं? स्ट्रेच। तो इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि आपके पास सपोज ये एक ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर ये एक डाई इलेक्ट्रिक है, तो ये रहा एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल के। तो डाई इलेक्ट्रिक जब प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में कुछ ऐसे, तो ये सिग्मा है, तो ये माइनस 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 सिग्मा है, लेकिन ये माइनस सिग्मा पी है, जैसे मैंने बताया था ये प्लस सिग्मा पी ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ था? ये पोलराइजेशन हो गई थी ऐसे, ठीक। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आया था? माइनस क्यू आई, ये क्यू है, इसके ऊपर क्या आया था? प्लस क्यू आई, और ये क्या है? माइनस क्यू। क्लियर है यहां तक? और इसमें डिस्टेंस मान लो इनके बीच में डायलैक्ट्रिक में डी है, डी ले लो, टू ए ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक। तो पोलराइजेशन डेंसिटी है कि डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये लिख लो प्लीज, इज नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी। अब डायपोल मोमेंट क्या है? एक बात बताओ कि अगर ये अगर मान लो ये डायलैक्ट्रिक है, डायपोल मोमेंट ऑफ डायलैक्ट्रिक लिख देता हूं यहां पे, डाई इलेक्ट्रिक। तो इमेजिन करो कि अगर मैं ये पूरे चार्जेस का एक चार्ज लेता हूं माइनस क्यू आई और दूसरा चार्ज लेता हूं प्लस क्यू आई सेपरेटेड बाय डी, तो डायपोल मोमेंट क्या बनेगा इसका? क्यू आई इंटू डी, क्यू इंटू डी। और वॉल्यूम क्या है? मान लो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस स्लैब का वो ए है और थिकनेस इसकी डी है, तो वॉल्यूम क्या बनेगा? ए इंटू डी, तो डी से डी कैंसल। तो चार्ज बाय एरिया का मतलब एक और होता है क्या? सिग्मा, सिग्मा पी। तो ये डायलैक्ट्रिक मटेरियल का सिग्मा है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ डायलैक्ट्रिक इज वन एंड द सेम थिंग। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर मैं ये बोलूं कि डायलैक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप बोलेंगे E नॉट माइनस EP। तो E विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं कि E नॉट माइनस पोलराइजेशन डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लो, एक ही बात है, क्योंकि किसी भी डायलैक्ट्रिक की पोलराइजेशन डेंसिटी और सिग्मा इज वन एंड द सेम थिंग।